आज के लेक्चर का हमारा विषय है लॉजिक गेट और इसकी ट्रुथ टेबल। तो आइए शुरू करते हैं हम हमारी इस वीडियो को। लॉजिक गेट को डिस्कस करने से पहले चलिए हम बात करते हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की। कोई भी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम बिजली या वोल्टेज पर आधारित होता है और वोल्टेज की दो स्टेट होती हैं, एक है हाई और दूसरी लो। अर्थात डिजिटल सिस्टम में जहाँ वोल्टेज अवेलेबल है वहाँ यह हाई होती है और जहाँ वोल्टेज अवेलेबल नहीं है वहाँ यह लो होती है। और हम हाई वोल्टेज को डिजिट एक से तथा लो वोल्टेज को डिजिट जीरो से रिप्रेजेंट करते हैं। आइए अब हम बात करते हैं लॉजिक गेट की। लॉजिक गेट एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है जो कि लॉजिकल डिसीजन देता है। लॉजिक गेट बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं जिससे अधिकांश डिजिटल सिस्टम बनाए जाते हैं। लॉजिक गेट एक इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल होता है जो कि इलेक्ट्रॉनिक वोल्टेज के कॉम्बिनेशन को इनपुट के रूप में लेता है और इस इनपुट सिग्नल के कॉम्बिनेशन को प्रोसेस करके एक आउटपुट सिग्नल निकालता है। इनपुट सिग्नल की संख्या इस बात पर निर्भर करती है कि इनपुट सिग्नल किस लॉजिक गेट से होकर गुजरेगा। जैसे कि एंड लॉजिक गेट में दो इनपुट सिग्नल होने आवश्यक होते हैं जबकि नॉट गेट में एक ही इनपुट सिग्नल आवश्यक होता है। और इनपुट सिग्नल की संख्या कितनी भी हो परंतु आउटपुट सिग्नल एक ही आएगा। आइए अब हम लॉजिक गेट के बारे में कुछ मुख्य बातें जान लेते हैं। नंबर एक, प्रत्येक लॉजिक गेट का अपना एक चित्रात्मक संकेत होता है, जैसा कि आप यहाँ चित्र में देख सकते हैं। ये तीनों चित्र एंड गेट, और गेट और नॉट गेट को रिप्रेजेंट करते हैं। लॉजिक गेट के बारे में दूसरी मुख्य बात यह है कि इनपुट सिग्नल और आउटपुट सिग्नल के बीच में संबंध को दर्शाने के लिए हर लॉजिक गेट की अपनी एक इक्वेशन या फिर एक समीकरण होती है। प्रत्येक लॉजिक गेट की अपनी एक टेबल होती है जिसमें इनपुट सिग्नल्स की वैल्यूज़ 0 और 1 के विभिन्न कॉम्बिनेशंस के इनपुट और उन कॉम्बिनेशंस के अनुसार आने वाले आउटपुट को दर्शाया जाता है और इस टेबल को ट्रुथ टेबल कहा जाता है। लॉजिक गेट्स का प्रयोग विभिन्न प्रकार की आईसी या इंटीग्रेटेड सर्किट में किया जाता है। कुछ महत्वपूर्ण आईसी फैमिली निम्नलिखित हैं। नंबर एक, ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर लॉजिक या TTL। इसी तरह इमीटर कपल्ड लॉजिक या ECL, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर या MOS और कंप्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर या CMOS, ये विभिन्न प्रकार के IC हैं। आइए अब हम बात करते हैं बेसिक लॉजिक गेट्स या फंडामेंटल लॉजिक गेट्स की। तो एंड गेट, और गेट और नॉट गेट, ये तीनों बेसिक लॉजिक गेट्स या फिर फंडामेंटल लॉजिक गेट्स कहलाते हैं क्योंकि इन लॉजिक गेट्स का उपयोग करके आप अन्य लॉजिक गेट्स बना सकते हैं या फिर इन लॉजिक गेट्स का प्रयोग करके आप किसी भी डिजिटल सिस्टम को बना सकते हैं। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं एंड गेट की। एंड गेट एक लॉजिक सर्किट है जिसमें कम से कम दो इनपुट सिग्नल की आवश्यकता होती है तथा यह एक आउटपुट सिग्नल निकालता है। इसमें इनपुट सिग्नल की दो स्टेट होती हैं, या तो यह ऑन होगा या फिर ऑफ होगा। ऑन को हमें पता है कि एक से रिप्रेजेंट किया जाता है तथा इसी तरह ऑफ को जीरो से रिप्रेजेंट किया जाता है। एंड गेट का आउटपुट सिग्नल तब ऑन या एक होगा जब इसके दोनों इनपुट सिग्नल एक या ऑन हों। यदि इनमें से एक भी इनपुट सिग्नल ऑफ है या जीरो है तो इसका आउटपुट जीरो हो जाएगा। एंड गेट में दोनों इनपुट सिग्नल की गुणा या मल्टीप्लिकेशन करके आउटपुट निकाला जाता है और लॉजिक गेट के इनपुट और आउटपुट सिग्नल के बीच रिलेशन दर्शाने के लिए हम एक टेबल या सारणी का प्रयोग करते हैं जिसे हम ट्रुथ टेबल कहते हैं। यहाँ चित्र में आप लॉजिक गेट एंड की ट्रुथ टेबल और इसका इक्वेशन या समीकरण तथा इसका चित्रात्मक संकेत या सिंबल देख सकते हैं। यहाँ ट्रुथ टेबल में हम देख सकते हैं कि हमने दो इनपुट सिग्नल ए और बी लिए हैं जिसमें ए और बी की दो ही स्टेट हैं, या तो ए या बी जीरो है या फिर एक है। और इधर आप आउटपुट राइट हैंड साइड में देख सकते हैं जो कि ए और बी दोनों सिग्नल्स की गुणा करने पर आएगा। तो
तो यदि हमारे इनपुट सिग्नल दोनों यहाँ 0-0 हैं तो इनकी गुना भी 0 ही आएगी, इसलिए दोनों स्टेट ऑफ की कंडीशन में यह आउटपुट ऑफ है। और दूसरी कंडीशन ए सिग्नल 0 है जबकि बी सिग्नल 1 है, तो यहाँ पर इन दोनों की अगर मल्टीप्लिकेशन हम करते हैं तो यह भी हमारा 0 आएगा। यहाँ थर्ड कंडीशन में हम देख सकते हैं कि इनपुट सिग्नल ए 1 है और बी 0 है, और इसके आउटपुट के लिए हम अगर इन दोनों की गुना करें तो इन दोनों की गुना 0 आएगी, तो यहाँ आउटपुट 0 है। और उसके बाद चौथी कंडीशन जो है वो यह है कि इसमें इनपुट सिग्नल ए 1 है और बी भी 1 है। अब हम 1 और 1 की मल्टीप्लिकेशन करें तो इसका आउटपुट भी 1 आएगा। तो इस प्रकार हम इस ट्रुथ टेबल के माध्यम से देख सकते हैं कि एंड गेट के अंदर आउटपुट आपका तब ही ऑन या फिर 1 आएगा जब आपके दोनों इनपुट सिग्नल ऑन हो या 1 हो, अन्यथा अन्य कंडीशन में यह आउटपुट 0 रहेगा। ये हमारे लॉजिक सर्किट एंड का चित्रात्मक संकेत है जो कि अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर डी की तरह लगता है, और इसमें ये जो ए और बी दिखाई दे रहे हैं ये दोनों इनपुट सिग्नल हैं, और ये एक्स बराबर है ए मल्टीप्लाइड बाई बी, ये आपका आउटपुट सिग्नल है जो ए और बी के अलग अलग इनपुट सिग्नल के अनुसार आउटपुट आपको प्राप्त होता है। और x बराबर है a मल्टीप्लाइड बाई b को आप इसकी समीकरण भी कहते हैं। आइए अब हम बात करते हैं OR गेट की। OR गेट में भी कम से कम दो इनपुट सिग्नल की आवश्यकता होती है और यह भी एक आउटपुट निकालता है, और इसमें इनपुट सिग्नल की कंडीशन भी या तो 0 होगी या फिर 1 होगी। और इस लॉजिक गेट OR का आउटपुट 1 आएगा यदि दोनों इनपुट सिग्नल्स में से कोई एक भी इनपुट सिग्नल ऑन हो या 1 हो। OR गेट के समीकरण को x बराबर है a प्लस बी के माध्यम से दर्शाया जाता है, जहां a और b दो इनपुट सिग्नल हैं और प्लस जो है मैथमेटिकल सिंबल है। इस x बराबर है a प्लस बी OR गेट की समीकरण का अर्थ यह है कि OR गेट में जो इनपुट सिग्नल a और b हैं इन दोनों की एडिशन या इन दोनों का जोड़ करके आउटपुट सिग्नल निकाला जाता है। x बराबर है a प्लस बी OR गेट की समीकरण या इक्वेशन कहलाती है। हम OR गेट में इनपुट सिग्नल और आउटपुट सिग्नल के रिलेशन या संबंध को एक टेबल के माध्यम से रिप्रेजेंट करते हैं जिसे हम OR गेट की ट्रुथ टेबल कहते हैं। आइए हम OR गेट की ट्रुथ टेबल को समझते हैं। यह चित्र में आप OR गेट की ट्रुथ टेबल को देख सकते हैं। यहाँ a और b दो इनपुट सिग्नल हैं और x बराबर है a प्लस बी, इस आउटपुट सिग्नल की समीकरण है या फिर इक्वेशन है जो कि a और b इनपुट सिग्नल जो कि दो स्टेट में हो सकते हैं या तो 0 होंगे या फिर 1 होंगे, इनको x बराबर है a प्लस बी समीकरण के माध्यम से दोनों सिग्नल की वैल्यूज़ को जोड़ करके हमें प्राप्त होती है। यहाँ टेबल में हम इनपुट सिग्नल a और b की सभी पॉसिबल स्टेट्स या संभव वैल्यूज़ को इनपुट करके इसका आउटपुट निकालेंगे। तो सबसे पहली स्थिति में हम देखते हैं कि दोनों इनपुट सिग्नल a और b दोनों ऑफ हैं या दोनों 0 हैं, तो इसका आउटपुट सिग्नल हम निकालने के लिए इन दोनों वैल्यूज़ को समीकरण x बराबर है a प्लस b में पुट करेंगे, और यहाँ से हम देखते हैं कि 0 प्लस 0 भी 0 आता है। इसका अर्थ यह हुआ कि दोनों इनपुट सिग्नल यदि OR गेट में 0 हैं या ऑफ हैं तो हमारा आउटपुट सिग्नल भी ऑफ या 0 ही रहेगा। उसके बाद दूसरी स्थिति यह है कि आपका इनपुट सिग्नल a 0 है या ऑफ है और b है जो आपका यह 1 है या ऑन है, तो इसे समीकरण x बराबर है a प्लस बी में हम इनपुट करते हैं। तो यहाँ से हम देखते हैं कि 0 प्लस 1 इक्वल टू 1, यानी कि जब एक इनपुट सिग्नल a 0 है और दूसरा इनपुट सिग्नल 1 है तो यहाँ आउटपुट आपका 1 आता है यानी कि ऑन आता है। तीसरी कंडीशन यह है कि आपका इनपुट सिग्नल a है जो वह 1 है या ऑन है और b सिग्नल आपका ऑफ है या 0 है,
तो इन वैल्यूज़ को आप समीकरण x बराबर है a प्लस बी में जब इनपुट करते हैं तो यह वैल्यू आती है 1 + 0 = 1, यानी कि यहाँ से हमें आउटपुट वैल्यू 1 या ऑन प्राप्त होती है। अर्थात यदि आपका ए सिग्नल 1 है और बी सिग्नल 0 है, उस स्थिति में भी आपका आउटपुट सिग्नल 1 या ऑन ही आएगा। चौथी कंडीशन यह है कि आपका इनपुट सिग्नल ए भी 1 है और बी भी 1 है, अर्थात दोनों इनपुट सिग्नल ऑन है। तो इस इनपुट सिग्नल को समीकरण x बराबर है a प्लस बी में इनपुट करने के पश्चात हमारी वैल्यू आती है 1 + 1 = 2, परंतु क्योंकि हम जानते हैं कि डिजिटल सिस्टम में सिग्नल की दो ही स्टेट होती हैं, या तो 0 या फिर 1, तो यहाँ भी हम इस 2 को सिग्नल या डिजिट 1 से ही रिप्रेजेंट करेंगे। तो हमारा इस कंडीशन में दोनों सिग्नल जब ऑन है 1 है, तो हमारा आउटपुट भी ऑन होगा या 1 होगा। आइए अब हम बात करते हैं नॉट गेट की। यहाँ चित्र में आप नॉट गेट के डायग्राम को देख सकते हैं। नॉट गेट में सिर्फ एक ही इनपुट सिग्नल की आवश्यकता होती है तथा आउटपुट सिग्नल भी इसमें एक ही निकलता है। नॉट गेट को इन्वर्टर गेट भी कहते हैं, क्योंकि यह इनपुट सिग्नल को बदलकर इसकी विपरीत स्थिति में कर देता है। अर्थात यदि ऑन या एक नॉट गेट से गुजरेगा तो यह ऑफ या जीरो हो जाएगा, और इसी तरह यदि ऑफ या जीरो इनपुट सिग्नल नॉट गेट से गुजरेगा तो यह ऑन या एक हो जाएगा। एक्स बराबर है ए बार या नॉट ए को हम इस नॉट गेट की समीकरण या इक्वेशन कहते हैं। आइए अब हम नॉट गेट की ट्रुथ टेबल को देखते हैं। इस टेबल में यह ए एक ही इनपुट सिग्नल है और यह एक्स बराबर है ए बार या नॉट ए आउटपुट सिग्नल है। हमें पता है कि इनपुट सिग्नल या तो 0 होता है या फिर 1 होता है, और 0 को हम ऑफ कहते हैं तथा 1 को ऑन कहते हैं। तो जब इनपुट सिग्नल 0 इन्वर्टर गेट या नॉट गेट से होकर गुजरेगा तो यह एक हो जाएगा या ऑन हो जाएगा, और इसी तरह यदि इनपुट सिग्नल एक होगा और नॉट गेट से गुजरने के पश्चात यह 0 हो जाएगा या ऑफ हो जाएगा। अर्थात यह इनपुट सिग्नल को इसकी विपरीत स्थिति में पलट देगा। तो ये थे आपके 3 फंडामेंटल या बेसिक लॉजिक गेट्स, एंड गेट, और गेट और नॉट गेट। आप इन तीनों फंडामेंटल या बेसिक गेट्स की मदद से अन्य लॉजिक गेट्स भी क्रिएट कर सकते हैं, जिस तरह से आप नॉट गेट और एंड गेट के कॉम्बिनेशन से नैंड गेट बना सकते हैं। इसी तरह से नॉट गेट और गेट के कॉम्बिनेशन से आप नॉर गेट बना सकते हैं। इसी तरह आप एक्स और एक्स नॉर गेट का निर्माण कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने बेसिक या फंडामेंटल लॉजिक गेट्स, एंड गेट, नॉट गेट और गेट के बारे में जाना। आशा करते हैं आपको हमारी यह लॉजिक गेट्स से संबंधित वीडियो पसंद आई होगी। और आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, तथा साथ ही हमारे चैनल पर उपलब्ध अन्य वीडियोस को देखने के लिए चैनल हिंदी कंप्यूटर बाई AK को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।